अभी मैं बादाम के कुंज के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। बादाम का कुंज है ना कुछ ऐसे मीठे है जो है ना ठंडे अपन यूज़ करते हैं, यानी कि चिल्ड मीठे होना, कुछ ऐसे मीठे है जो हॉट लेते हैं अपन, जिसमें से एक ही है बादाम का कुंज है। और बादाम के कुंज में जो है ना बादाम को पहले बॉईल कर लेते, इस काजू को भी बॉईल कर लेते, बादाम का छिलटा निकाल लेते उसका अपन, उसके बाद उसको जो है ना घी में तलते, असली घी में तलना उसको। तले बाद जो है ना सर उसको जो है ना क्या करना पड़ता मालूम है, अपन ग्राइंडिंग करना उसको, काजू को ग्राइंडिंग करना। इसके बाद उसको लगन में डाल के ये, और जायफल जोतरी भी रहता है उसमें, ये तमाम चीज़ काजू जो सब भून लेते, भून ले के लगन में डाल के घी डाल के, असली घी में दूध डालते उसमें, खोआ भी डालते उसमें, डाल के बादाम का कुंज लगन में चढ़ाते, चढ़ा के उसमें ज़ाफ़रान भी डालते उसमें, ज़ाफ़रान ग्राइंडिंग करके उसको पीस के डालते ऊपर ऐसा। और उसके बाद जो है ना ये बादाम है पीसा हुआ, बादाम है ये, हाँ, और काजू है पीसा हुआ, हाँ, इसमें दूध है और खोआ है, ज़ाफ़रान है, ये तमाम चीज़ ये पूरा इसके अंदर आता, असली घी दूध इससे ही इसमें है, जायफल जोतरी है। बाद में उसको डेकोरेशन करे बाद उसको सजाते, प्रेजेंटेशन अलग रहता हो, वो ये भून के करके इस तरीके से बनाते ये। పశ్చిమాసియా స్వీట్లలో ఇది రాజు లాంటిదని జలీల్ భాయ్ అభిప్రాయం. ఇంత కష్టపడి అంత విలువైన ఇంగ్రీడియంట్స్ ని సామాన్యులు నిజంగా ఎఫర్ట్ చేయలేరు. జలీల్ భాయ్ కూడా పదే పదే ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ చదివి ఈ స్వీట్ ఎంత అరుదైనదో మాకు పదే పదే చెప్పారు. ఈ స్వీట్ ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని నెల రోజులు కూడా ఆస్వాదించవచ్చు. బాదం కా కున్ షాయి మిఠా హై యే, ఐసా మిఠా హై, మిఠో కా సర్తాజ్ హై యే, పూరే మిఠో మే టాప్ మిఠా యేహి హై బాదం కా కున్. ఇస్కు జో హై నా బాదం జో అసలీ ఘీ మే డాల్తే యే బహుత్ అచ్చి చీజ్ హై యే, యే ఖరాబ్ నే హోనే వాలా మిఠా హై, 7 డేస్ తక్ ఇస్కా లైఫ్ హై వితౌట్ ఫ్రిడ్జ్, ఫ్రిడ్జ్ మే అగర్ రఖే తో వన్ మంత్ తక్ లైఫ్ హై ఇస్కా, ఆర్ గరమ్ కర్కే ఖానే కా హై యే. इसमें असली घी, ज़ाफ़रान वगैरह, किशमिश उशमिश पूरे ड्राई फ्रूट्स का रहता, बादाम काजू उजू रहता है ये, ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए पिस्ता वगैरह सब डालते हैं इसके अंदर, एक्सेलेंट मीठा रहता है ये, टॉप मीठा. और पूरे शाही लोगों का ने, नवाबों का ने यही बनता, अहमद आलम खान का ने सब पूरा यही बनता मीठा. मुंदु जलील भाई इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चदुवुतारु, आयन चेबुतुंटेने इंग्रेडिएंट्स रेडी अयिपोतायि. ఫ్రేమ్ బయట ఆయన ఆజ్ఞకి ఆయన ఆర్మీ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇంగ్రీడియంట్ రెడీ అయిపోతుంది. దేఖే మసాలే బాదం కే కుంకే, ఈ అసలీ మసాలే హే పూరే. అబ్ ఇస్మే జో హై నా యే ఖోవా హే, మైదా హే, ఘీ హే, ఇలైచీ పౌడర్ హే, కిష్మిష్ హే, జైఫల్ జోత్రీ, శక్కర్, ఇస్కే బాద్ యే భీ హే బాదం కా కుంకే లియే. ये बादाम जो है ना ग्राइंडिंग करना पड़ा, ये ग्राइंडिंग, ये बादाम को बॉईल करना, इसके बाद ग्राइंडिंग करना, इसके बाद इसको तल के इसमें जो है ना ग्राइंडिंग करें हम लोग. बादाम हो गया, काजू भी है इसके अंदर, ये ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान ज़ाफ़रान है इसके अंदर पानी में, और ये जो है ना दूध है, खत्म. ये खोआ है, इसमें थोड़ा जायफल जोतरी डाल लेना, जायफल जोतरी, పాలకోవాలో జాఫల్, జాపత్రి పొడి, యాలకుల పొడి, శక్కర, కిస్మిస్లు, అఫ్కోర్స్ జలీల్ భాయ్ సంతకం, కుంకుమ పువ్వు వాటర్, ఆ తర్వాత నెయ్యి, పాలు. దూధ్ భీ డాలే, కిస్మిస్ డాలే, घी डाल लेंगे इसमें अभी अपन, थोड़ा मैदा भी डाल लेंगे एक स्पून. कुछ मैदा पिंड वेस कुंटे मिक्सचर मिक्सिंग के रेडी होता है. शक्कर थोड़ी और डाल लेंगे, ज़ाफ़रान गिर गया इसके ऊपर. इनका ये रिच कोवा पोई का कल सिंदे. घी थोड़ा और डाल लेंगे इसमें, हल्लू हल्लू डालते रहना, एकदम नहीं डालना, डल्ला बन जाता हो. स्टोव ऑन, चलिए अब ये रख देंगे अपन इसमें. मुकुड़ू ऑन,
వంట కోసం జలీల్ భాయ్ పద్ధతిని మేం క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన రంగు వాసన అనే రెండు అబ్జర్వేషన్స్ తో వంట చేస్తారు. అందులో మొదట పడాల్సింది మంచి నెయ్యి. इसके बाद ये पूरा इसमें बादाम है वगैरह मैदा खोवा वगैरह तमाम चीज़ है इसके अंदर అందులో కి ఆ కోవా మిక్స్చర్ మంచి నెయ్యేయమైన మూకుల్లో కోవా మిక్స్చర్ ముద్దని లిటరల్ గా దించాలి. ఇది బాదామీ కున్ ఆత్మ. ये है बादाम ग्राइंडिंग करा हुआ बादाम भुना हुआ सब तमाम चीज़ है इसके अंदर. ఆ తరువాత బాదాం పొడి. ఆ బాదాం పొడిలో జీడిపప్పు కూడా ఉంది. अब इसको भून लिए, थोड़ा घी में तल लिए, घी में फ्राई हो रहा. देखिए अभी बादाम जीड़ी पप्पुलनु नानेसी उंची तरवात वेयించుకొని పొడి చేసుకోవాలి. ఆ కోవా ముద్ద ఈ స్వీట్ ఆత్మ అయితే ఈ బాదాం పొడి స్వీట్ కి బాడీ అవుతుంది. इसमें दूध भी ढीला करना करना वगैरह रहा तो दूध भी डाल सकते हैं. इसमें दूध है ना, थोड़ा सा दूध डालेंगे. मिल्क दूध अंटे पालु ई मिक्स के कलिपिते स्वीट की बॉडी स्पिरिट रेंडु ऐड होताई. इसमें किशमिश तमाम चीज आ गई है. पालु वेसी अला कलिपिते स्वीट अड़गंटदु. काजू भी है इसमें, बादाम भी है. ये आखिरी जबरदस्त बहुत अच्छा काबिल मिठाई है. ऑलरेडी जायफल जोत्री भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अपन. ऑलरेडी डाले फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए. इसका कलर कुछ ब्राउन कलर होना, कलर चेंज होता है. ये अभी बन रहा है ना, कलर चेंज होएंगे तब ये तैयार हो जाएगा बादाम का कुन. आयना मूकुडलोनी स्वीट ने कलपड़न चूस्तुंटे ओक पेंटर कैनवास पेंटिंग चेस्तुन्नट्टे उंदी माकु. थोड़ा किशमिश है, किशमिश मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को. ये बादाम के कुन का ग्राइंडिंग करा हुआ है. ये पूरा डाल देंगे अपन. गाढ़ा हुआ थोड़ा दूध डालेंगे इसमें. दूध डाल देंगे थोड़ा. दूध नहीं रहने से दाग पकड़ लेता है. ये शक्कर अपने हिसाब की डाल लेना. ये रहा ज़ाफ़रान है इसमें. चिवर आखर कुंकुम पुव वाटर टचिंग. బాండ్లీలో స్వీట్ తన షాహీ రంగులు పులుముకుంటుంది. బాదాం కున్ రెడీ అవుతుంది. త్వరలో విడుదల. ये बादाम का कुम 50 मेंबर्स का है ये. अगर इसमें जो है ना ज्यादा अगर बढ़ाना है तो वही क्वांटिटी बढ़ा लेना. उसकी 100 होना है इसका डबल कर लेना. 200 होना है तो 4 कर लेना, जो जो मैं डाला उसका हिसाब. अब बादाम का कुन रेडी हो गया है. ये बेहतरीन जायका है इसमें. अपन थोड़ा इसको चूल्हे पे रखे शक्कर टेस्ट कर लेना. अगर बराबर है तो ठीक है. रुचि चूस्तू एदैना तक्कुवैते कलुपुकोवडं ये पाक प्रवीणुडैना चेसेदे. बहुत बढ़िया बढ़िया बना, बेहतरीन बना. आहा हा तो घी भी डालेंगे अपन. जायके में घी और ज़ाफ़रान में जायका है आखिर. ये बादाम का कुम की लाइफ है, ज़्यादा दिन रहता है मीठा. बहुत अच्छा मीठा है. अभी रेडी हो गया. देखिए बादाम का कुम रेडी. अभी अपन बादाम का कुन जो है ना इसमें निकालेंगे बोल में. ये कलर, ऐसा कलर कहीं पे भी नहीं आता बादाम का कुन का, और ऐसा बना ही नहीं सकते कोई. ये बादाम का कुन है, बेहतरीन कलर आया ये. प्लेट लो सर्विंग चेसी पैनिंच ड्राई फ्रूट टॉपिंग्स वेंडी वरकेस्ते लुक एनहांस होतुंदी. मीगड़ा ऑप्शनल. ये चांदी का वरक डेकोरेशन है. ये मीठे का प्रेजेंटेशन है. बस ये है मीठे का प्रेजेंटेशन. अब इसमें जो है ना क्या करना है अपने को, तो ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंटेशन के लिए बादाम का ही चाहिए. बादाम ही है ये. अब इसमें थोड़ा मलाई मलाई है ना सर, इसमें थोड़ी रख देना साइड में. नहीं तो भी चलेगा, वो ऐसी बात नहीं है. थोड़ी मलाई का, कुछ लोग मलाई खाते कुछ लोग नहीं खाते. ये मलाई है बस. कुछ लोग खाते कुछ लोग नहीं खाते. हो गया.